शर्मा जी, मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं कल आपसे बात नहीं कर पाया, जी और मैं मैं आपको जो समझ है गया। एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें मेरी बात सुधाकर से हो रही है। वो बहुत ही विस्तार में बात है, उसे आप सुनेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाएगा। ये प्रभाकर आपके संपर्क में कब से है? प्रभाकर, तो सुधाकर, सुधाकर नाम जो है वो सुधाकर ले रहे हैं। सुधाकर, सुधाकर के बारे में बताइएगा, कौन सुधाकर जी? सुधाकर जी एक बहुत बड़े एग्रीकल्चरिस्ट हैं जिन्होंने बहुत जी काम किया है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के ऊपर, और उन्होंने उसमें बहुत सारी जो है वैदिक ज्ञान को भी इंटीग्रेट किया है। वो ऑर्गेनिक जीवामृत और घन अमृत से भी आगे है। जैसे अजूम करिए, एक जी एक पर्टिकुलर पत्ते से कट मारने से हम जो है प्रोडक्शन को 10 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। इतनी ओरिजिनल चीजें हमारे वैदिक ज्ञान में है। जी मतलब आपका जो है प्रोडक्शन में इंक्रीज 10 टाइम्स जस्ट बाय प्रूनिंग आफ्टर सर्टेन लीव्स। तो जैसे सात ओके पत्ते हैं, तो सात पत्ते के बाद यदि आप काटेंगे तो वो जो है आपका प्रोडक्शन विल बी बिकम 10 टाइम्स। तो ये जी तो बड़ी अचंभित करने वाली चीजें हैं जिसपे उन्होंने रिसर्च वर्क किया है। लेकिन हमारी चर्चा उनसे एग्रीकल्चर के बारे में नहीं है, हमारी चर्चा उनसे है कि कैसे इन हमारे दुष्ट राजनेताओं ने हमें मूर्ख बनाकर 75 वर्षों तक हमारे ऊपर वही गुलामी के नियम कानून और व्यवस्था थोप के रखी है। बहुत बढ़िया बात है ये जी। इतने दुष्ट हैं ये राजनेता कि ये तो जी कोई भी राजनेता बिना कार्यकर्ताओं के नहीं बन सकता है। तो मुझे जिन मैं कार्यकर्ताओं ने कहूंगा इनके लिए जुलूस निकाले, धरना दिए, सर जिन्होंने इनके लिए लाठियां खाई, इनके हाँ हाँ लिए हाँ भीड़ सही में इकट्ठी की, इनकी पोलिंग बूथ पे ड्यूटी दी, ये इतने ओके दुष्ट जी लोग हैं कि उन्हीं कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके ये बाहुबलियों को, अपराधियों को, दल बदलुओं को, अपने नेताओं के बच्चों को और जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को टिकट देते हैं। क्योंकि इन राजनेताओं को योग्य व्यक्तियों से बड़ा डर लगता है, क्योंकि ये स्वयं मूर्ख और अयोग्य व्यक्ति हैं। तो इनसे योग्य व्यक्ति यदि सिस्टम में आ जाएंगे तो इनकी चौधराहट प्रभावित हो जाएगी। तो ये है ये मूल कोई कारण अच्छे ज्ञानी व्यक्ति को अंदर घुसने ही नहीं देना चाहते हैं। ये बात है, मूल बात ये है। लगी सही बोले, सही तो कहा आपने। ये केवल जाति और धर्म के आधार पर नहीं कर रहे हैं, जाति और धर्म के आधार पर भी बाहुबलियों को, अपराधियों को और लेस मेरिटोरियस व्यक्तियों को जो है ना ये खोज के देते हैं। बस केवल ये देखते हैं कि ये बाहुबली का इतना आतंक होना चाहिए कि जेल के शिक्षकों के पीछे से भी वो जीत जाए। हाँ, और हो रहा तो है, ये क्रिटिकल हो रहा है। शर्मा जी, ये हमारे राजनेता शुद्ध दुष्ट लोग हैं और ये किसी के सगे नहीं है। और ये देखो, गलत लोगों को टिकट देते हैं, अपराधियों को टिकट देते हैं, बाहुबलियों को टिकट देते हैं, दल बदलुओं को टिकट देते हैं, नेताओं के, अपने आकाओं के बच्चों को टिकट देते हैं, जाति और धर्म के आधार पर बाहुबलियों और अपराधियों को और अयोग्य व्यक्तियों को टिकट देते हैं। योग्य व्यक्तियों से इन्हें घोर डर लगता है, और यदि किसी योग्य व्यक्ति को ये टिकट दे भी देते हैं तो ये इंश्योर करते हैं कि वो योग्य व्यक्ति चरण सेवक होना चाहिए। होना चाहिए, वो हो नहीं पाता है तो वो वहां से हट जाता अरे वो तो बिल्कुल, वो जो ऐसे योग्य व्यक्ति हैं वो अपने माथे पे ठप्पा लगा के आते हैं कि भाई साहब, मैं आपका चरण सेवक हूं, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, मैं अपनी विद्वत्ता को जो है 10 फीट नीचे जमीन में गाड़ दूंगा, मेरी विद्वत्ता आपके किसी भी स्वार्थ में आड़े नहीं आएगी। बात है, बिल्कुल सही बात है आप ये ये बात भी। सहमत है कि नहीं है? अरे सहमत कह 200% साहब। तो क्राइम फ्री भारत मिशन जो है वो ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आया है कि बिना 5 पैसे खर्च किए हम जो है अपने नेटवर्क के सभी लोगों को जोड़ते हुए 100 करोड़ के ऊपर पहुंचेंगे।
और वो भी पूरी टीम ऊर्जाकृत भी होगी, संकल्पित भी होगी और शपथकृत भी होगी। जी, बिल्कुल बिल्कुल, और आपकी बात इस प्रोसेस में 543 लोग चंद्रगुप्त बनेंगे। तो जी, आप ये जानना चाहेंगे कि चंद्रगुप्त क्या बला है? बना मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ ना, तो मैंने सारा आपका समझ लिया है, जो मैं समझता हूँ कि जब विस्तार से भी पूछ लूंगा आपसे जानकारी लूंगा, नहीं चंद्रगुप्त का जो अवेयरनेस जाके लोगों को जानकारी देंगे कि भाई ऐसे करना है, और उनको जो है ना इस आपकी सहूलियत के लिए एक YouTube चैनल बनाई गई है जिसका नाम है क्राइम फ्री भारत YouTube चैनल। ये चैनल मेरे द्वारा स्थापित की गई है और इसमें 2100 से ज्यादा वीडियोज हैं कि कैसे हम अपने 21 उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे, उसके बारे में क्या रिसर्च हुई है, क्या जो है ना स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हुई है, बच्चों ने क्या टेक्नोलॉजी डेवलप की है, क्या ड्राफ्ट लॉज वगैरह बनाए जा रहे हैं। इस तरीके के जो है आपको 2100 वीडियोज मिलेंगे उसमें, और इसमें बेसिकली तीन चीजों पे बहुत जोर है। एक है ऊर्जाकृत करने पे, तो हम जिससे बात करें उसे ऊर्जाकृत करें, और ऊर्जाकृत करने के लिए हम जो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर जो वीडियोज अवेलेबल हैं उनका हम अपने हिसाब से उपयोग में ला सकते हैं। जो आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है उस पर आप लाइक करके उसको अपने लोगों से चर्चा करिए उस पर। तो आपको यदि बात विस्तार में समझ में नहीं भी आई है तो उसे आप बार बार सुनेंगे तो एक तो आपको खुद को समझ में आ जाएगी, और जो दूसरे व्यक्ति आप बता रहे हैं वो हॉर्सेस माउथ से खुद पूरी बात सुन समझ सकेगा और समझ सकेगा। तो जो ये हम बातचीत कह रहे हैं यही ऊर्जाकृत करना है। अब इसमें जी पांच संकल्प हैं तो हर किसी को एक संकल्प लेना जरूरी है, क्योंकि ये व्यवस्था जो है ऊर्जाकृत करने की है, संकल्पित करने की है और शपथकृत करने की है। तो इसमें एक शपथ भी है। तो जी संकल्प को आप मेरे ख्याल से समझना चाहेंगे। इसमें पांच संकल्प रखे गए हैं। क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ने वाले हर व्यक्ति को इन पांच में से एक संकल्प लेना होता है, ठीक है ना शर्मा जी? ये बात समझ में आई जी सरस्वती बिटिया आपको? बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ सारा अच्छा, जी, तो ये बात संकल्प करने जो है जी मैं आपको जरा विस्तार कर देता हूं। पहला संकल्प मात्र 9 दिन का है जिसमें हमें 10 व्यक्तियों को प्रतिदिन जोड़ना है। दूसरा संकल्प है कि मैं प्रतिदिन 5 व्यक्तियों को जोड़ूंगा, फिर संकल्प की अवधि 9 दिन से बढ़ के 18 दिन हो जाएगी। तीसरा संकल्प है कि मैं प्रतिदिन 3 व्यक्तियों को जोड़ूंगा, फिर संकल्प की अवधि 30 दिन हो जाएगी। चौथा संकल्प है मैं प्रतिदिन 2 व्यक्तियों को जोड़ूंगा, फिर संकल्प की अवधि 45 दिन हो जाएगी। और पांचवा संकल्प है कि मैं प्रतिदिन 1 व्यक्ति को जोड़ूंगा, फिर हमारे संकल्प की अवधि 90 दिन हो जाएगी। पांचों संकल्प में हम कुल 90 लोगों को जोड़ रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई है क्या? बहुत अच्छा, अब इसके बाद तीसरी प्रक्रिया है शपथ कृत करने की, जिसमें हम चाणक्य बनने की शपथ ले रहे हैं। तो ये शपथ कृत करना कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं अपने देश के लिए स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा। तो पहली शपथ का पहला हिस्सा है कि मैं स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा। और ये चंद्रगुप्त क्या बला है जो हम लोगों को जोड़ रहे हैं? ऐसे 543 लोग जो सर्वाधिक लोगों को जोड़ेंगे वही चंद्रगुप्त कहलाएंगे, राइट? तो ऊपर के 543 व्यक्ति, तो 2024 के चुनाव के पहले तक हर कोई जो है वो चंद्रगुप्त बनने की यात्रा में रहेगा। किसी को नहीं मालूम है कि 543 चंद्रगुप्त कौन होंगे। हालांकि ट्रेंडिंग में आप अपना भी और दूसरों का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, और उसमें 3 व्यक्तियों को रोज सर्टिफिकेट भी जारी होता है, जो अच्छा काम करता है उसे कमेंडेशन सर्टिफिकेट भी जारी होता है। और जैसे ही आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो वो आपको मोहल्ला अधिकारी बना देता है, जैसे ही आप 3 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो वो आपको टाउन अधिकारी बनाता है, जैसे ही आप 5 लोगों को जोड़ते हैं तो वो आपको ब्लॉक अधिकारी बनाता है, जैसे ही आप 10 लोगों को जोड़ते हैं तो वो आपको जिला अधिकारी बनाता है,
जैसे ही आप 50 लोगों को जोड़ते हैं तो वो आपको राज्य अधिकारी बनाता है, और जैसे ही आप 100 लोगों को जोड़ते हैं तो वो आपको राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है, और राष्ट्रीय अधिकारी बनने के बाद आपकी यात्रा चालू होती है चंद्रगुप्त बनने की, राइट। और ये चंद्रगुप्त बनने की यात्रा जो है सतत जो है 2024 के चुनाव के पहले तक जारी रहेगी, और चुनाव के जस्ट पहले ऊपर के 543 लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा वो चंद्रगुप्त कहलाएंगे। तो चंद्रगुप्त की डेफिनेशन आपको समझ में आ रही है। अब जो है शपथ का दूसरा हिस्सा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और आवश्यक रूप से कम एक वीडियो रोज देखकर अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। ये है शपथ का दूसरा हिस्सा। इसके बाद शपथ का तीसरा हिस्सा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि अपने से जुड़े नेटवर्क के लोगों को मैं ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर, शपथकृत कर जोड़ूंगा, राइट। तो उसके लिए हम फोन पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, छोटी सी संगोष्ठी कर सकते हैं, और उसमें ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके और ऊर्जा शपथकृत करके लोगों को जोड़ना है। तो इसके लिए प्रत्येक दिन की कार्रवाई निर्धारित है। जैसे सोमवार को आपको अपने पत्नी बच्चे आदि को जोड़ना है, राइट, और अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ना है, ये सोमवार की कार्रवाई है। मंगलवार को आपको अपने मित्रों और पड़ोसियों को जोड़ना है। बुधवार को आपको अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है। गुरुवार को आपके जो ढेर सारे सर्कल्स हैं उन सर्कल से जुड़े लोगों को जोड़ना है। शुक्रवार को हमें युवाओं और विद्यार्थियों को जोड़ना है, तो इसके लिए हमें युवा और विद्यार्थी जहां मिलेंगे वहां जाना होगा। तो हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जाएं, या जहां बच्चे कोचिंग कर रहे हैं वहां जाएं, या बच्चे जहां रह रहे हैं हॉस्टल में वहां जाएं। तो इस तरीके से शुक्रवार को विद्यार्थी व युवाओं को जोड़ेंगे। शनिवार को हम बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ेंगे। तो आज वरिष्ठ नागरिक बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं क्योंकि बच्चे बिजी हैं, उनके पास अपने बुजुर्गों के लिए समय ही नहीं बचा है, और बुजुर्ग लोग जो है उनको लग रहा है कि उनके जीवन का मकसद अब खत्म हो गया है, वो मौत के लिए दिन काट रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रसन्न रहें, खुश रहें, व्हाट एवर बेस्ट दे कैन डू दे आर ट्राइंग टू डू। तो बिल्कुल सही बात। जहां पे बुजुर्ग लोग हैं, चाहे वो मंदिर में हो या पार्क में हो या आश्रम में हो, जहां पे भी हो, वहां जाकर उन बुजुर्गों को जोड़ना है क्योंकि उनके पास असीमित एक्सपीरियंस है। वो जुड़ेंगे तो उनको एक मकसद मिल जाएगा और हम बड़ी आसानी से 100 करोड़ के ऊपर पहुंचेंगे। तो शनिवार का जो दिन है वो बुजुर्ग लोगों के लिए है, और रविवार का लोग है रविवार का दिन है समाज सेवी संगठनों को जोड़ने का। तो आपके प्रभाव क्षेत्र में आपसे जानने वाले जो समाज सेवी संगठन है उनके पास जाया जाए, उनसे बातचीत की जाए, उनके साथ संगोष्ठी की जाए, उन्हें भी ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर और शपथकृत किया जाए। और चूंकि कुछ जगहों पे संख्या सीमित है, जैसे परिवार के सदस्यों की संख्या सीमित है, राइट, रिश्तेदारों की संख्या भी सीमित है, मित्रों की भी संख्या सीमित है, तो इन तीनों केसेस में हम जो है अन्य जो विधाएं हैं, 16 और विधाएं हैं, उनमें से जो विधाएं अच्छी लगती है उसके लोगों को जोड़ सकते हैं। जैसे किसानों को जोड़ना, मजदूरों को जोड़ना, जैसे कि जो है स्लम एरिया के लोगों को जोड़ना, जैसे कि हम जो है पंच और सरपंचों को जोड़ना। और सबसे बड़ी बात है कि जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो ये राजनेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ धोखा दे रहे हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, वो अपने पार्टी के लिए काम करते रहें, लेकिन साथ में वो क्राइम फ्री भारत मिशन का भी हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक मिशन है। ये केवल इतना बिल्कुल ही फर्क है कि जो 543 लोग अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करेंगे, उनके लिए मिशन ने एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी की पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट कर दी है, जो हाथ जोड़कर जाके उनको संसद का टिकट देगी।
और फिर जो है जो 100 करोड़ से अधिक लोग जो जुड़े हुए हैं वो अपनी छत पे खड़े होकर, यदि छत नहीं है तो चबूतरे पे खड़ा होकर, यदि चबूतरा भी नहीं है तो दरवाजे पे खड़ा होके, यदि मकान नहीं है तो झुग्गी के दरवाजे पे खड़े होकर, थाली बजाकर, दीपक जलाकर, वो अपने चंद्रगुप्तों के फेवर में संकल्प लेगा कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, इसे मैं विजयी बनाऊंगा। तो अधिकांश राजनेता न केवल हारेंगे बल्कि उनकी जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। आप इस बात से किस हद तक सहमत अपने आप को पा रहे हैं? नहीं, हम तो वो छोड़ के गए थे और बहुत बढ़िया बात आपने कही, उत्तर भी अच्छा है, लेकिन एक दो बातें हैं जो हम आपसे प्रश्न करेंगे तो उसका समाधान आप खरीद लेंगे आप यदि अभी पूछेंगे तो मैं अभी आपको समाधान बता दूंगा, और यदि अभी आपकी पूछने की जिज्ञासा या आपको अभी इच्छा नहीं है तो जब भी आप बात करेंगे तब आपका समाधान करेंगे। जी, क्योंकि हम सोशल वर्कर रहे हैं शुरू से, हम अंडा मूवमेंट से चले थे, हमने गवर्नमेंट बनवाई इस आदमी की जो हाँ अभी दिल्ली में है, पंजाब में है, केजरीवाल। हाँ हाँ तो उसके बाद 2 साल हम परिस्थिति भी गवर्नमेंट में भी केजरीवाल रहे तो दिल्ली। एक दुष्ट आत्मा है, नंबर एक का फ्रॉड आदमी है, जो देशद्रोही काम करता है, जो कि शासक को समदर्शी होना चाहिए, समान उसका दृष्टिकोण होना चाहिए। कहते हैं मुखिया मुख सा चाहिए, खान पान का एक, तो मुंह खाने वाला एक होता है, उसका काम है जिसको जितनी एनर्जी पहुंचाना हो उसे पहुंचाए। तो ये तो इतना दुष्ट आदमी है कि गोल टोपी लगा के एक मुस्लिम को जो है ना 1 करोड़ दे आता है, तो बाकी धर्म के लोगों ने क्या गुनाह किया है? ये अच्छे शासक के गुण नहीं है। ये तो तो इसमें इतना कार्य दुष्ट, पाठक ये आपको शर्मा जी जान के ताज्जुब होगा, ये इतना दुष्ट आदमी है कि ये जो इसने बहुत सारे सुइसाइड करने वाले लोगों को शहीद का दर्जा देके उसे 1 करोड़ रुपए की चेक देके आया है, सिर्फ इसलिए कि सहानुभूति इसको मिल जाए और इसको वोट मिल जाए। ये इतना बड़ा दुष्ट है। बिल्कुल पंजाब चुनाव में इसने बिल्कुल देशद्रोही ताकतों से हाथ मिलाया है, ये इतना दुष्ट व्यक्ति है। तो ये केजरीवाल खूब जीत गया हो, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं मेरी नजरों में ये एक देशद्रोही है। नहीं भाई, जितना जल्दी उठाया उतना जल्दी जाएगा। सर मैं आपको जानकारी आपको है पूरी और सभी को है, जो सक्रिय लोग हैं, देश के जिम्मेवार नागरिक हैं, उनको सबको पता है देश अब में क्या है लोगवाग क्या नहीं है। देखिए, लोगवाग जो है वो इसलिए जो है आपसे जुड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस शुद्ध दुष्ट है, भाजपा भी कोई अच्छी नहीं है, वो भी दुष्टों की कैटेगरी में ही आ रही है। तो लोगों को लगता है आप कम से कम इन दोनों से तो अच्छी है, और यही कारण है कि लोगबाग आपको अब महत्व दे रहे हैं, और आप जो है चूंकि जीत गई है लिहाजा अब राष्ट्रीय पार्टी भी बन जाएगी। बन जाएगी वो सब ठीक है, लेकिन लोगों को इतना तो होश हवास करना चाहिए। कहाँ से चले थे लोकपाल के लिए चले थे, ये वो सरकारी बातों को पता है, और रही बातों की बात तो बातें तो इसके बराबर। अब हम यमुना पे काम कर रहे हैं, यमुना का जो हालत है, यमुना जो मर गई है यहाँ पे दिल्ली के अंदर, आप जानकारी होगी तो उसमें भी हम काम कर रहे हैं। ये दूसरा दूसरा मैं ये कहने जा रहा था आपसे कि ये सारी बातें आपको बताया, सभी नागरिकों सभी को बताया भारत में, और उसके बाद कांग्रेस का जो वजूद था वो जा रहा है, इसलिए जीत रहा है या टिकट वाले लोग। कांग्रेस को तो नष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू एक दुष्ट और राष्ट्रद्रोही व्यक्ति था। उसने गुलामों के सब नियम कानून हम पर थोप के रखे हैं, और उसके बाद वाले नेता भी इकुली ही देशद्रोही हैं, क्योंकि अभी हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। क्या किसी एक राजनेता ने कहा है कि आपके ऊपर जो गुलामी के नियम कानून और जो गुलामों वाली व्यवस्था थोपी हुई है उसे हम ट्रांसपेरेंट बना देंगे, अकाउंटेबल बना देंगे, यदि वो गलत निर्णय लेगी तो दंड के अलावा उसे कंपनसेशन भी देना होगा? ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी थी, लिस्ट 1 शेड्यूल 7 संविधान के तहत। तो ये तो शुद्ध दुष्ट लोग हैं, ये संविधान को तोड़ते मरोड़ते हैं। जी सर, नेहरू तो इतना बड़ा दुष्ट आदमी है कि उसने एक आर्टिकल 35A प्रेसिडेंट पर दबाव बनाकर असंवैधानिक तरीके से संविधान में घुसेड़ दिया। हम आपको सभी को मालूम है कि हमारे संविधान ने राष्ट्रपति को ये शक्ति ही नहीं दी है कि वो नोटिफिकेशन से संविधान में कोई संशोधन कर दे, कोई आर्टिकल पैदा कर दे। एकदम तो ये तो इतने दुष्ट लोग हैं।
ये जो है हमारा फंडामेंटल राइट कहता है कि नो बडी शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस और रिलीजन। ये दुष्ट लोग जो है वक्फ बोर्ड से लेके हर गंदी कार्रवाई, इंक्लूडिंग द वर्शिप प्लेसेस एक्ट, और भला हो सुब्रमण्यम स्वामी का, इन लोगों ने दो बार तो कोशिश की कॉमनल वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट लाने की। यदि वो आ गया होता तो हम और आप जो है अपने भारत में रहने योग्य नहीं बचते। उसमें इतने खतरनाक प्रिजम्पशन थे कि आपको, आपकी बिटिया को और मुझे और सबको जेल में सड़ा दिया जाता। इतने खतरनाक प्रोविजन थे। हम शुद्ध दुष्ट और देशद्रोही लोग हैं। अदरवाइज आप मुझे बताइए, कोई व्यक्ति गुलामों के नियम कानून अपने स्वतंत्र देश की स्वतंत्र जनता पे थोप के रखता है क्या? सही बात है, तो ये शुद्ध दुष्ट लोग है ना। अच्छा, खुद शिक्षा नहीं है, खुद सोच नहीं है, अब खुद अपराधी हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अभी जो 2019 से 2024 की पार्लियामेंट गठित हुई है, तो इलेक्शन कमीशन में एक एफिडेविट जमा करना होता है। उस एफिडेविट के हिसाब से 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं। तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं नेताओं के तो कुछ कुछ केस रजिस्टर हो जाते हैं, तो ये बात सत्य नहीं है। 29% के विरुद्ध इतने गंभीर आरोप हैं कि आपके होश उड़ जाएंगे, जैसे हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार। तो इन दुष्ट राजनेताओं को 140 करोड़ लोगों में अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे लोग मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, अगर चाहते तो, लेकिन वो चल रहा है, लग रहा है। अब आप चिंता मत करिए, 2024 में आप शुद्ध आत्मा से लग जाइए। 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे यदि हमने अपने आप को संकल्पित कर, ऊर्जाकृत कर और शपथ कृत करके कार्रवाई की, तो मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। शर्मा जी, आप कहें तो हम आपको अभी 2 मिनट में कहानी समझा देते हैं। समझाऊं आपको? नहीं, बिल्कुल, मैं उसको पेंडिंग रख रहा हूँ। मैं आपसे एक दो जिज्ञासा पूछने की मेरी, जो आप जरूर पूछिए, आप जरूर पूछिए, जो आप जो जो कहना चाह रहे हैं उसको भी मैं पूरा करूंगा। और मैं ये चाहूंगा, एक तो अपना कहाँ से संचालन हो रहा है? भोपाल से हो रहा है इसका? ये साइबर स्पेस में संचालित हो रहा है। हाँ, हालांकि मेरी लोकेशन जो है वो भोपाल में है। जो इसके पीछे एनजीओ खड़ा हुआ है, क्योंकि इसके पीछे दो चीजें हैं। एक नेशनल पुलिस मिशन है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिशन है जिसको मैं ही हेड कर रहा हूं, और दूसरा एक एनजीओ है जिसको मैंने क्रिएट किया है, अपराध मुक्त भारत मिशन, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। चूंकि मैं जो है भोपाल में विराजित हूं, लिहाजा ये भोपाल से संचालित है। अच्छा, आप सर सम्माननीय डीजीपी मध्य प्रदेश? करेक्ट, मैं जो है 2014 फरवरी 2014 में डीजीपी के पद पर पदोन्नत हुआ था, और सितंबर 2020 में मैं सेवानिवृत्त होकर पूरी तरह से जो है ना इस कार्य के प्रति समर्पित हूँ। और पहले तो जो है ये क्राइम फ्री भारत जो है नेशनल पुलिस मिशन था और है, लेकिन मुझे ये बात समझ में आ गई कि हमारे दुष्ट राजनेता जो स्वयं आपराधिक चरित्र के हैं, वो इस देश को अपराध मुक्त कभी नहीं करना चाहेंगे। जो दुष्ट प्राणी अपने कार्यकर्ताओं का नहीं हुआ, जो दुष्ट प्राणी अपने देश की जनता का नहीं हुआ, जिसने बेशर्मी से गुलामों के नियम कानून और व्यवस्था थोप के रखी है, तो ये दुष्ट राजनेता खुदगर्ज स्वार्थी लोग हैं। ये यदि भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाते हैं, तो ये इतने लज्जाहीन हैं कि अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को जो ना मुख्यमंत्री बनाते हैं। एक मुख्यमंत्री ने अभी 8वीं बार शपथ ली है, वो अपने आप को सुशासन मुख्यमंत्री कहते नहीं थकता है। वो इतना कुशासन मंत्री है कि 9वीं फेल जो है बंदे को जो है ना प्रदेश की जनता पर जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में थोप देता है। तो ये तो खुद शर्मा जी, ये तो बहुत ही खुदगर्ज और स्वार्थी लोग हैं, लेकिन अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है। 2024 में यदि आप सब लोगों ने इस ऊर्जा को संकल्पित समर्पित होकर और शपथ कृत होकर यदि आपने इस कार्य को आगे बढ़ाया, तो मैं आपको पूरी शक्ति के साथ, मैं संकल्प के साथ और घोषणा कर सकता हूं कि 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे।
बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही साहब आपने। दूसरा आप तो एक विद्वान पुरुष है, मेरी बात हुई है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं, मैंने बता ही दिया शॉर्ट में, आप तो समझ रहे होंगे कि हम लोग अंडा मूवमेंट के हम नहीं थे राजनीति वगैरह में, अपना काम करने वाले छोटे स्तर के व्यक्ति है। देखिए 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 मेरी बात है, जैसे आप जैसे लोग जो है जो बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, हमें उनमें से हर व्यक्ति के पास, हर संस्था के पास जाना होगा, वो अपना काम करती रहे, बस केवल ऐप के माध्यम से क्राइम फ्री भारत मिशन से भी जुड़ते जाए और ऊर्जाकृत संकल्पित होकर और शपथकृत होकर अपने लोगों को जोड़े। उसे जो है क्राइम फ्री भारत मिशन में और कोई काम नहीं करना है, केवल इतना ही करना है। इतने मात्र से ही हम 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। जी सर, सरस्वती की देन थी कि सरस्वती का कोई जिज्ञासा थी, ऐसा कुछ संस्कार था? तो सरस्वती जी आप पूछिए बेटे, आपका क्या क्या जिज्ञासा है? मेरी जो दरअसल सर मैं बता दूं, मेरी थोड़ी सी तबीयत ऐसे ही चल रही है, तो जो मैं मेरे शब्द होंगे वही बाबूजी आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो खांसी की वजह से, कफ की वजह से मैं थोड़ा बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन जो मेरे सवाल होंगे, विचारधारा एक ही है हमारी, तो वो बोलेंगे तो आप उनके बात का समाधान निकालेंगे, तो मेरा भी वही सवाल होगा। चलो कोई नहीं, आप स्वस्थ हो जाओ, प्रार्थी तो हो जाओ। बाबू जी आप, आपके जो भी सवाल है मैं सर यही पूछना, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हमने कोई विजन डॉक्यूमेंट इसके लिए बनाया है? दूसरा, इसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ही एक बड़ा कॉन्सेप्ट नोट बनाया गया था, जिसमें 5 सर्टेनिटी के साथ क्राइम फ्री भारत को अवतरित करने की अवधारणा थी, और अब जो है हर जो है वीडियो के साथ वो डॉक्यूमेंट हमारा होता है कि हम कैसे जो है 21 ऑब्जेक्टिव को जमीन पे उतारेंगे, और इस काम में ढेर सारे हमारे वीडियो जो है अलग अलग ऑब्जेक्टिव को कैसे जमीन पे उतारा जाएगा उसके वीडियोज हैं, तो आप उनको सुनिए और फिर अपनी जिज्ञासाओं के लिए आप कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं। दूसरा हम आपसे चल रहे हैं 2024 के लिए, आज से मान लीजिए मैं चलता हूँ या लोग पहले चल रहे हैं आपके साथ में, आप कर रहे हैं, और इसमें जिस आदमी की जब सीनियर सिटीजन वाली बात आती है तो सरस्वती अभी तो अस्वस्थ है थोड़ा सा 10-15 दिन से, लेकिन देखिए इसमें जब आप स्वस्थ नहीं है तब आप ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि बिस्तर में बैठ के लोगों से बात करना है, उन्हें ऊर्जाकृत करना है, संकल्पित करना है और शपथकृत करना है, तो उसके लिए पूरी तरह से फिजिकली स्वस्थ रहने की जरूरत नहीं है। उनके पास अच्छी खासी टीम है, दिल्ली के अंदर हर वार्ड में टीम है, विधानसभा की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत वर्क किया है इन्होंने लोकपाल के चक्कर में, फिर हरिचंद्र राजा आने वाले हैं तो उसके चक्कर में, ये काफी इन्होंने योगदान दिया, पूरा सिस्टम जानता है इनको दिल्ली के अंदर, और वो कोई कमी नहीं है खैर लोगों की। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे अभी सीनियर सिटीजन की बात चली थी, या बीच में हम जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, चाहे वो अपना कोई सोशल वर्कर है, चाहे वो एम्प्लॉई है, चाहे वो गरीब आदमी है, किसी वर्ग का है, अगर उसको बीच में कोई दिक्कत आती है, उसको मदद की जरूरत पड़ती है, इसके मदद के दो तीन तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मेरा मार्गदर्शन उसे अवेलेबल होगा इतने गंभीर अनुभव के साथ, और जरूरत पड़ने पे मैं संबंधित अधिकारियों से भी बात करता हूँ। दूसरा जो है, मैंने अभी एक हमारे ही एक आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने एक लीगल स्टार्टअप खोला है, उससे मेरे ख्याल से एक आध सप्ताह में या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में हमारा टाई अप हो जाएगा, तो वो जो है जो स्टार्टअप है वो बिना फीस को चार्ज किए ना केवल कानूनी सलाह देगा बल्कि दस्तावेज तैयार करके उसे कोर्ट से आपको न्याय दिलाने में मदद करेगा। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, जब हमारी संख्या बढ़ जाएगी, यदि हम 9 दिन का संकल्प ले लें तो 10वें दिन तो नरेंद्र मोदी जी भी वही सुनेंगे जो आप हम उनको सुनाएंगे, और यदि वो नहीं सुनेंगे तो उनका हारना पूरी तरह से तय है। हम जहाँ पे जाएंगे, हम आप नहीं बता रहे हम जहाँ पे जाएंगे, ये प्रश्न हमारा, ये हमारे अंदर एक बीमारी है, उसका ये है, ये समझ लीजिए, हम और संस्कृति और हम जैसे जाति लोग हैं जो हर स्टेट से है,
करीब करीब 18-20 स्टेटों से अब जुड़े हुए हमारे लोग हैं। आप इन लोगों को इतना डर लगने लग जाएगा कि ये नियम विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। देखिए आज जो है पूरा सिस्टम नियम विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है। आपको जो है एक मिनट में आपको समझाता हूँ। सेक्शन 39 सीआरपीसी के तहत हम सब लोगों की वैधानिक जिम्मेवारी है कि हमारे संज्ञान में यदि कोई संज्ञेय अपराध आए तो हम उसे रिपोर्ट करें, नहीं तो हमें जेल में भेजा जा सकता है। ये सेक्शन 39 सीआरपीसी में लिखा है। और सेक्शन 141(1) जो है ये जिम्मेवारी थानेदार पर डालता है, वो भी उसकी वैधानिक जिम्मेवारी है कि संज्ञेय अपराध को वो रिकॉर्ड करे, FIR दर्ज करे, इन्वेस्टिगेशन करे। इस दुष्ट व्यवस्था ने जो है आपकी 90% केस में FIR दर्ज ही नहीं कर रहे हैं। और आपके विरुद्ध बाहुबलियों से पैसा लेके, इन राजनेताओं के चरण सेवकों से पैसा लेके आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम हो जाएगा। और चार झूठे व्यक्ति खड़े करके, क्योंकि आपके पास अपनी जमानत करने का पैसा भी नहीं होगा, तो अच्छे भले लोग जो है जेल में सड़ रहे हैं। ये है इस आज की व्यवस्था का बहुत ही घृणित जो पक्ष है वो ये है। बहुत अच्छी बात है आपने कही है कि हम जो जितना भी संभव कर पाए, जैसे हम स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, हमारे पास हम कैंसर पे काम कर रहे हैं स्वास्थ्य में ज्यादातर है, तो जो जितने भी लोग आते हैं गरीब लोग जिसको अवेयरनेस नहीं है, पैसा नहीं है, मतलब ये उसे आप केवल अवेयरनेस ही नहीं देंगे, अवेयरनेस और मार्गदर्शन तो देंगे ही देंगे। जरूरत होगा तो संबंधित अधिकारी से बात करेंगे, उसके छक्के छुड़ा देंगे और फिर जो है उसको लीगल नोटिस देंगे और कोर्ट में घसीटेंगे। हमारे पास तो जो है, हमारे पास तो वो मॉडल है कि हम सरकारों को नाक के चने जबवा सकते हैं, क्योंकि आज जो सरकार है वो संविधान की व्यवस्था के हिसाब से अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है। और यदि वो अपने जो शेड्यूल 7 में लिस्ट 2 में जो दायित्व है, यदि उसका जो है राज्य सरकार पालन नहीं करती है तो 356 के तहत उसे डिसमिस किया जा सकता है। और इसको डिसमिस करने की भी व्यवस्था संविधान ने ऑलरेडी बनाई है। तो जो गवर्नर का इंस्टीट्यूशन है उसे हर महीने एक रिपोर्ट देना होती है कि हमारी सरकार जो है संविधान की व्यवस्था के अनुसार चल रही है। लेकिन ये सभी दुष्ट एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, तो गवर्नर झूठी रिपोर्ट देता है। सभी राज्यों में 80-90% सही FIR दर्ज नहीं हो रही है और 10-20% फर्जी झूठी FIR दर्ज हो रही है। आज हर व्यक्ति जो है ना इससे सफर कर रहा है, विशेष तौर पर गरीब व्यक्ति सफर कर रहा है। ये पुलिस इतनी दुष्ट है कि किसी को भी पकड़ के गिरफ्तार कर देती है जस्ट अपना प्रेशर कम करने के लिए कि मैंने डिटेक्ट कर लिया है। अब आप ये सोचिए यदि किसी को फर्जी गिरफ्तार कर लिया, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। होती है, हो रही है ना। तो अच्छा दूसरा, हाँ बिल्कुल सही बोले आपने, कहा सर कि इतना हम कर सकते हैं किसी के, क्यों लोग हमसे जुड़ रहे हैं, हम जुड़ेंगे तो उस व्यक्ति को कोई दिक्कत आती है, हम सोशल वर्कर हैं और आप भी वही कर रहे हैं, सब वही कर रहे हैं, तो बीच में ये नहीं, उसको ये एहसास थोड़ा हो जाएगा कि हाँ, ये उसको इतना एहसास होगा कि जैसे ही जो है ना हमारे स्टार्टअप का लेटर जाएगा थानेदार को या SP को, वो साला अपनी कुर्सी से उछल जाएगा। क्योंकि अभी तक जो है किसी ने उसको वैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एहसास कराने के लिए सिद्धांतिक कार्रवाई नहीं की। अभी वो हाथ जड़ के सर प्लीज सुन लीजिए, फिर वो ये नहीं कहेगा सर सुन लीजिए, वो कहेगा आर्टिकल 154(1) के तहत ये आपकी वैधानिक जिम्मेवारी थी जिसका आपने निर्वहन नहीं किया है। स्पष्ट करें कि आपने अपराध का पंजीयन क्यों नहीं किया है। वो मनमानी कर रहा है, जब उसको ये होगा तो जब ये नोटिस जाएगा और अच्छा वो नहीं सुनता है तो 154(3) में यही जिम्मेवारी SP को दी गई है, तो दूसरा नोटिस SP को भी जाएगा कि आप इनके वरिष्ठ अधिकारी हैं और आपकी ये मूल जिम्मेवारी सेक्शन 154(3) के तहत है जिस जिम्मेवारी का आपने निर्वहन नहीं किया है। आप स्पष्ट करें कि आपने अपनी वैधानिक जिम्मेवारी का निर्वहन क्यों नहीं किया है। और फिर उसमें जो है 156(3) में हम जो है कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं कि इस पुलिस ने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं किया है, लिहाजा 156(3) में कोर्ट इनको आदेश दे सकता है FIR दर्ज करने का, और ऐसे केसेस में कोर्ट को सुपरविजन करने का भी अधिकार मिल जाता है। 482 में हम हाई कोर्ट से भी जो है ना न्याय ले सकते हैं, और कॉन्टेम्प्ट पिटीशन में और PIL में हम सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय ले सकते हैं। तो ऐसी जो है 5 वैधानिक प्रक्रियाएं हैं, इसी तरीके से प्रशासनिक प्रक्रिया है, इसी तरीके से लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी वाली प्रक्रिया है,
और चौथी प्रक्रिया है कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी की। अभी इन दुष्टों को किसी ने इनका सही स्थान नहीं दिखाया है, वही तो दिक्कत है, इसीलिए तो बढ़ावा मिल गया। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा स्टार्टअप का जब लेटर पहुंचेगा तो ये लोग अपनी कुर्सी से उचक जाएंगे। और स्पेशली जब आपके जो है 9 दिन में हम 100 करोड़ हो सकते हैं, यदि हम इसी संकल्प ऊर्जा और शपथ से यदि हम काम करेंगे, तो जब 100 करोड़ लोग किसी बात को थाली बजाकर दीपक जला के माननीय नरेंद्र मोदी से प्रार्थना करेंगे, तो 56 इंच के जिगरे में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपको नजरअंदाज कर दे। बहुत सही बात है, आप बताइए 56 इंच के जिगरे में इतनी हिम्मत होगी क्या? ना, सही बात है। सर मैं आप तो मेरा कहना आपसे यही है ना, मैंने काफी समझा आपको और हम लोग सुन रहे हैं। आप 2100 वीडियो है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप क्राइम फ्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको और सरस्वती बिटिया को दोनों को ऐप की लिंक भेज रहा हूं, और मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आज से ही आप लोग चंद्रगुप्त यात्रा के पे निकलिए, क्योंकि चंद्रगुप्त कौन बनेगा ये 2024 में ही निर्धारित हो पाएगा, क्योंकि वो 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे वो चंद्रगुप्त होंगे। तो आज विश्वास के साथ कोई नहीं कह सकता है कि मैं चंद्रगुप्त होऊंगा। बिल्कुल, आपने अभी एक बात कही थी थोड़ी देर पहले कि अब समय आ गया है, जो जब समय आ जाता है तो ऊपर नियति भी, जो परमात्मा है, जो भी है, परिवर्तन जरूरी है और वो होता है। तो शर्मा जी, शर्मा जी, आप अपने दिमाग से भ्रम निकाल लीजिए कि हम और आप ये कर रहे हैं, हम और आपसे कॉस्मिक शक्तियां ये करा रही हैं, और जाने कितने लोगों को, आप बताइए, मैं आपको जानता नहीं था, आपका मेरे लिए फोन आया कि नहीं आया? तो ये कॉस्मिक शक्तियां, एक दिन हमसे बीएन शुक्ला साहब का ऐसे ही फोन आया, अब बीएन शुक्ला साहब जो है ना किसी को हमसे बात कराते ही रहते हैं, तो ये सब कॉस्मिक शक्तियों का महत्व है, ये अपने आप 2024 में होगा। बिल्कुल, और ये दुष्टता का वातावरण जो इन दुष्ट हमारे राजनेताओं ने हमारे ऊपर गुलामों की व्यवस्था थोप के रखी है, अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब ये बदलाव आकर रहेगा। और मैं एक दो सुझाव देना चाहूंगा। जरूर दीजिए। जी, ये सुझाव देना चाहूंगा, एक सोशल वर्कर का हमारा वो हो गया कि जो व्यक्ति हमसे जुड़ रहा है परिवार समझ के, तो उसके लिए हमें तत्पर रहना चाहिए था संभव। दूसरा, आपने उसका समाधान कर दिया, अच्छी बात है। दूसरा, मैं चाहूंगा कि भोपाल से पूरा हर स्टेट से हम लोग जुड़ रहे हैं, करेंगे, और अभी तक मेरे ख्याल से एक है शायद दमन दीव, उसको छोड़कर सभी जगह के लोग जुड़ चुके हैं और हर रोज लोग बाग जोड़ रहे हैं। मैं ये महसूस करता हूं कि कहीं ना कहीं जोड़ने वाले अपना काम ईमानदारी से करके ऊर्जाकृत, संकल्पित और शपथकृत नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जैसे ही लोग बाग हमारे वीडियो ऑडियो को सुनेंगे, तो मुझे लगता है कि उनके सीधे ही उनका वो भ्रम दूर हो जाएगा और वो ऊर्जाकृत भी हो जाएंगे, संकल्पित भी हो जाएंगे और शपथकृत हो जाएंगे। तो जो अभी कम्युनिकेशन गैप होने के कारण जो कुछ लोग अभी सुप्त पड़े हुए हैं, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि वो बहुत जल्दी जागृत हो जाएंगे और हम बहुत जल्दी 100 करोड़ तक पहुंचेंगे। जब आप 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे, तब इनमें से किसी भी व्यक्ति में जिगरा नहीं है कि हमारी कही हुई बात को ये नजरअंदाज कर दें। और बढ़िया बात है। तो सुझाव ये है साहब मेरा कि हम जहां से भी जुड़ रहे हैं, हर स्टेट से जुड़ रहे हैं, लेकिन हमें दिल्ली से ही संचालन करना होगा। हमें दिल्ली आज के साइबर स्पेस में आप कहां हैं इसका कोई महत्व ही नहीं है। आप कहीं से भी जुड़िए, ऐप आपके, अभी हम आपको लिंक भेजेंगे, जब आपको जहां जाना है वहां पे 2 मिनट में आप फ्लाइट लेके पहुंच जाइए। तो दिल्ली में ही क्यों बैठना चाहिए हमें? तो जो है ना, नहीं, हमें राजनेताओं को पिटीशन तो लगाना नहीं है, क्योंकि हम इनको कोई पिटीशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनमें ज्ञान की कमी नहीं है। ये शुद्ध बदमाश लोग हैं जो कि इन्होंने जानबूझ के गुलामों के नियम कानून हमारे ऊपर थोपे हैं, तो हम इनको क्यों जो है ना कागज अपना बर्बाद करेंगे इनके दरवाजे में खड़े होकर। दिल्ली से अगर कोई मूवमेंट स्टार्ट करेंगे ना सर, तो वो मीडिया वगैरह का फोकस से लोग, आप जो है मीडिया को भूल जाइए, ये मीडिया के लोग जो है, ये जो है सब जो है ना किसी न किसी के गुलाम है। ये बड़े बड़े हाउस जो कि इन राजनेताओं के नीचे दबे हुए हैं,
ये ना तो स्वतंत्र हैं, ये टीवी चैनल पे जोकरों को बुलाते हैं जो किसी ना किसी का जो है ना पट्टा लगा के बोलते हैं, ये विद्वान तो हैं लेकिन खुदगर्ज और स्वार्थी हैं, इनमें से देशभक्त तो मुझे कोई नहीं दिखता है। देखिए मेरा ये कहना है कि आप वहाँ कोई फंक्शन करेंगे, मैं देखो जस्ट ए मिनट बेटे, तुम वहाँ पर कोई आयोजन करेंगे मैथिली शरण गुप्त वहाँ पहुँच जाएंगे, क्या दिक्कत है? तो मुझे 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 300 दिन दिल्ली में रहने की क्या जरूरत है? केवल कि दिल्ली से दिल्ली में जो भी लोग आएंगे, चाहे 4 आदमियों की मीटिंग हो, कल को कोई हम सभा करते हैं, आप अपन जो है उसकी रीजनल मीटिंग कर पाएंगे, पहले जो है ना ऊर्जा करके संकल्पित करके हम जो काम कर रहे हैं उसको नहीं छोड़ना है, चाहे वो समाज सेवा संगठन का हो, चाहे और भी दूसरा जो काम कर रहे हैं उसको यथावत करते रहना है। केवल जो है अपना 15 मिनट आधा घंटे इस काम में लगाना है, बस केवल 1 घंटे से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं लगाना है। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बात कही आपने, हम लोग जो समझ पा रहे हैं इस बात को, और वो वीडियो वगैरह हम देखते हैं जो भी अपने हैं इसके सर। मैंने आपको शर्मा जी का नंबर भेज दिया है, आप सेव, ये जो नंबर, ये जो जिस नंबर से बात हो रही है शर्मा जी का ही नंबर है मेरे ख्याल से, 9643 भी है और 8882 भी है, ये मैं दोनों नंबर को बेटे सेव कर लेता हूँ। हाँ, और मैं आपको अभी ऐप का लिंक भेज रहा हूँ, तो आप तत्काल जुड़ के, मैं अपेक्षा करता हूँ कि बिटिया आप भी और शर्मा जी और बाकी जुड़े लोगों को जोड़ने की कार्रवाई अब आप विलम्ब कर दीजिए, जिससे इस ऊर्जा से हमारे जो लोग आज प्रताड़ित हो रहे हैं उनकी प्रताड़ना को हम कम कर सकें। और हम प्रक्रिया जो प्रारंभ करेंगे लोगों को, हमारे जो संज्ञान में जितने भी एनजीओ वगैरह है हमसे टाई अप है उनका ना, तो अब एक बार हम आपसे मुलाकात करना चाहेंगे। बहुत हम 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के कॉन्फ्रेंस हॉल में आम आदमियों से चर्चा कर रहे हैं, तो यदि आप पहुंचेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये 11 तारीख को 2 बजे से कॉन्फ्रेंस है, ये सुप्रीम कोर्ट के कॉन्फ्रेंस हॉल में है, दिल्ली में। तो यदि आप लोग समय निकाल के यदि पहुंच पाएंगे, यदि आप और लोगों को भी ला पाएंगे तो आप मिल रहे हैं तो जरूर समय निकाल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसका आप एक बारी मैसेज सारा कर दीजिएगा, कितने टाइम से कितने टाइम तक? 2 बजे से है, इसके बाद जो है ये मेरे ख्याल से 2 या 3 घंटे चलेगा, और इसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे कल आपके पास, कल नहीं परसों, 11 तारीख को 2 बजे है, तो आप 1 बजे के आसपास पहुंच जाइए। ठीक है ठीक है, हम जो है 11 तारीख को आपको एक बार कॉल भी करेंगे 11 बजे। जरूर जरूर जरूर, आप पहुंचे भाई, मुलाकात करके ये और बढ़िया संयोग बन गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अच्छे से आपने समझाया सारी बातों को, ये मिशन ये ऐसे ऐसे 2100 से ज्यादा वीडियोज हैं जो ये भी बता रहे हैं कि हम कैसे आसानी से पूरे इकोसिस्टम को बदल देंगे, कैसे जो है ये भारत अपराध मुक्त होगा, कैसे ये भारत साइबर क्राइम मुक्त होगा, कैसे भारत में अपराध करने का विकल्प खत्म कर दिया जाएगा, और हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भारत में गरीब बने रहने का भी विकल्प खत्म हो जाएगा, क्योंकि भारत का हर नागरिक समृद्ध होगा, किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी, और उनको जो है उनके लिए एक अलग से क्राइम फ्री भारत का एग्रो और आयुष मॉडल बनाया गया है, इस उनके लिए जो है ना मकान बनाने के लिए क्राइम फ्री भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल बनाया गया है, इसी तरीके का क्राइम फ्री भारत का इंडस्ट्री मॉडल बनाया गया है, इस पूरे देश का इकोसिस्टम बदल जाएगा। अभी इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर जहर थोपा हुआ है। शर्मा जी आपको जान के ताज्जुब होगा कि आप 16 करोड़ लीटर दूध ही पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम हो रहा है, 48 करोड़ लीटर दूध जो है टैंकरों में हमारे दुष्ट लोग जो है यूरिया जैसे जहर से बना रहे हैं, जिससे इस देश में कैंसर होगा। यदि हम नहीं चेते, हम क्या कह रहे हैं शर्मा जी, यदि हम नहीं चेते तो मेरा ये घोषणा है कि 5 साल में
भारत के हर तीन नागरिक में से दो नागरिक कैंसर से पीड़ित होंगे। मैं आपसे पूछता हूं, जब दो नागरिक कैंसर से पीड़ित होंगे तो उसे अटेंड करने के लिए तीसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अभी भी कमी नहीं है साहब, सर डेली आ रहे हैं हमारे पास, डेली कैंसर के। तो ये सब दुष्टता जो है हमारे राजनेताओं की, हमारे विद्वान की और हमारे साइंटिस्ट की है, जो हमारे ऊपर घातक केमिकल्स, घातक मॉलिक्यूल्स रोज थोपे जा रहे हैं। ये अज्ञानी दुष्ट राजनेता हमें जो है इस देश को कैंसर रिच कंट्री में कन्वर्ट कर देंगे। आप चिंता मत करिए, क्राइम फ्री भारत का एग्रो मॉडल कह रहा है कि इस भारत में फिर से जो है पानी का स्तर 8 से 10 फीट पर आ जाएगा, तो पूरी पूरी चीज रिवर्स हो जाएगी। भारत में बाढ़ और सूखा नहीं होगा, भारत एक बदला हुआ देश होगा, और वो भी 5 साल के अंदर। तो 2024 से 2000 व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए आपका। अभी आपने जिक्र किया था वो जो एग्रीकल्चर का चला रहे हैं, इसका एग्रो का क्या नाम बताया था उनका? मिस्टर सुधाकर, सुधाकर जी का उनका। अभी आप ये जब एक बार जुड़ेंगे तो सब चीजें तो आदान प्रदान होता ही रहेगा, आप चिंता मत करिए। बहुत बढ़िया, व्हाट्सएप पर अवेलेबल होगा आप इस नंबर पर? हाँ, व्हाट्सएप अवेलेबल है, टेलीग्राम अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। और मैं सभी सोशल मीडिया पर हूँ, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि हमारा मॉडल सोशल मीडिया पे हम चीजें शेयर जरूर करें, लेकिन 1-to-1 ऊर्जाकृत करना, संकल्पित करना और शपथकृत करना हमारी रीढ़ की हड्डी है। हमें इस रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखना है, हमें किसी फालतू के प्रचार से बचना होगा, हमें छोटी छोटी संगोष्ठी करना है, 2 लोगों से 10 लोगों की, 50 लोग और 100 लोगों के बीच में संगोष्ठी मत करिए, जिससे हम आंख से आंख मिलाकर उसकी बात समझ सकें, उसे समझा सकें, उसकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का जवाब दे सकें, ये बहुत आवश्यक है। सर बहुत अच्छा लगा है कि आप, कोई मेरे देश में इस तरह की बात उत्पन्न हुई है आपके माध्यम से, और ये वेदना पीड़ा है आपके अंदर जो सत्यानाश देश का हो गया है, ये आप चिंता मत करिए, ये सत्यानाश 1 साल में रिवर्स हो जाएगा, तो बहुत दुख मनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम जो है 5 साल के अंदर इस देश को पुनः समृद्ध बना सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो हमारे दुष्ट राजनेता खुद की समृद्धि के लिए जी रहे हैं, आपकी जिंदगी जो है ना खराब होती जा रही है, आप बीमार हो रहे हैं, आपके ऊपर हार्मफुल केमिकल्स डाले जा रहे हैं, आपकी बहुत बुरी स्थिति है। जी जी जी, ठीक है सर, थोड़ा मुझे भी शादी में निकलना है, थोड़ा चलिए चलिए। तो आपसे बहुत फ्रूटफुल बात हुई, और अब इस वार्तालाप को यहीं पे हम विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सरस्वती बिटिया, आपसे जो पहले वाली बात हुई है वो भी कल तक मेरे ख्याल से क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर रिलीज हो जाएगी। तो मैं उसको देख लेती हूँ, और कुछ चीजें मैं भी अपने टीम के साथ में शेयर करती हूँ, तो मैं उसको आगे बढ़ाऊंगी। जरूर बेटे, जरूर जरूर जरूर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम, ओके ओके, थैंक यू।